लेकिन पाकिस्तान ने इस मैच में चोक किया है। अगर आप पाकिस्तान के फैन हैं तो आप बहुत नाराज होंगे अपनी टीम से, क्योंकि ये मैच अगर पाकिस्तान नहीं जीत पाया तो भाई साहब वो सुपर एट में जाना डिजर्व नहीं करता। अब तो मुझे लगता है कि वाकई में पाकिस्तान का सुपर एट का जो दरवाजा है ना वो बिल्कुल इतना तो बंद हो ही गया है। पता नहीं उनको अपना भी करिश्मा करना होगा और कुदरत का निजाम भी होगा कि फला फला से हार जाए, फला फला को हरा दे तो वो सुपर एट में जाएंगे। लेकिन इंडिया की बात, इंडिया ने बैटिंग ठीक नहीं की, जैसी भी कंडीशंस थी इंडिया की बैटिंग इस जीत पर पर्दा नहीं डाल सकती। और चूंकि सामने पाकिस्तान था, पाकिस्तान पाकिस्तान की तरह खेला आज और इसीलिए वो इस मैच को हारे भी। और पाकिस्तान को ये झांकना होगा कि जब फखर जमान और रिजवान खेल रहे थे उनको सिर्फ थोड़ी देर और बैटिंग करनी थी, लेकिन हुआ क्या, फखर जमान ने अपनी विकेट फेंकी और उसके बाद रिजवान ने अपनी विकेट फेंकी। बाबर आजम पर सवाल होंगे, बाबर आजम की कप्तानी पर, उनकी अपनी बैटिंग पर, उनके बाकी खिलाड़ियों पर सवाल रहेंगे। दो मैचेस हारने के बाद भी पाकिस्तान करेगा सुपर एट के लिए क्वालिफाई, भारत पर निर्भर करती है पाकिस्तान की किस्मत। पाकिस्तान को अपने बचे हुए दोनों के दोनों मुकाबले जीतने होंगे। अब ये दोनों मुकाबले आपको जीतने तो है ही, साथ ही में एक और पॉइंट यह आता है कि आपको अपनी नेट रन रेट भी बहुत ही ज्यादा अच्छी करनी होगी, कि दूसरी टीम्स पर भी पाकिस्तान की किस्मत निर्भर करेगी। पर जिस हिसाब की परफॉर्मेंस पाकिस्तान की टीम ने पहले दो मैचेस में दिखाई है उस हिसाब से तो यही लग रहा है कि इनकी बल्लेबाजी में तो कोई दमखम है ही नहीं। इनके पास बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान, इन दो बैटर्स के अलावा इनके पास कोई भी बैटिंग नहीं है, बैटिंग पूरी तरह से ध्वस्त है। बॉलिंग इनकी बहुत अच्छी है, हालांकि कैंपेन की शुरुआत ज्यादा अच्छी रहती नहीं है पाकिस्तान के लिए हमेशा ही, लेकिन बाद में जाके T20 वर्ल्ड कप में अच्छा कर जाते हैं। अब तक लोग बात करते थे MCG में जो भारत की जीत हुई थी कि भाई कमाल है पाकिस्तान के ऊपर इतनी यादगार जीत, ये मैच शायद उससे भी ऊपर चला गया है, क्योंकि ये मैच तो 119 रन भारत ने डिफेंड किए हैं और 119 रन शायद इस विकेट पे 140 बन जाते हैं, इस आउटफील्ड में भी 15 रन आप जोड़ दें तो 155-160 के बराबर थे। लेकिन पाकिस्तान ने इस मैच में चोक किया है। अगर आप पाकिस्तान के फैन हैं तो आप बहुत नाराज होंगे अपनी टीम से, क्योंकि ये मैच अगर पाकिस्तान नहीं जीत पाया तो भाई साहब वो सुपर एट में जाना डिजर्व नहीं करता। USA हारे, इंडिया से भी हार गए और अब तो मुझे लगता है कि वाकई में पाकिस्तान का सुपर एट का जो दरवाजा है ना वो बिल्कुल इतना तो बंद हो ही गया है। पता नहीं उनको अपना भी करिश्मा करना होगा और कुदरत का निजाम भी होगा कि फला फला से हार जाए, फला फला को हरा दे तो वो सुपर एट में जाएंगे। लेकिन इंडिया की बात, इंडिया ने बैटिंग ठीक नहीं की, जैसी भी कंडीशंस थी इंडिया की बैटिंग इस जीत पर पर्दा नहीं डाल सकती और कहीं ना कहीं इंडिया को ना निकल कर आना है। ठीक है ये मुश्किल मैच मैं मानता हूँ, परिस्थितियाँ ऐसी थी, इंडिया एक टॉस ऐसा हारा जहाँ पहले बैटिंग करनी पड़ी और पहले बैटिंग यहाँ पर इस मैदान में ना है तो मुश्किल, आपको अंदाज़ा नहीं है कि कितने रन चाहिए कितने नहीं चाहिए। लेकिन इंडिया के भी 10 ओवर में भाई साहब 81 रन थे और उसके बाद आखिरी 10 में भारत ने क्या किया, बट फिर गेंदबाजी की बात आती है। मतलब हम आमतौर पर बात करते हैं हमेशा बल्लेबाजों की कि वो करिश्मा करते हैं, आज गेंदबाजों ने किया। जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप जिन्होंने आखिरी ओवर फेंका, मोहम्मद सिराज, हार्दिक पंड्या, जडेजा, अक्षर पटेल, मतलब किसी वक्त भारत ने ये महसूस नहीं होने दिया कि इस मैच से बाहर हो गए हैं। जब रन बोर्ड पे नहीं होते तो आपको न सिर्फ गेंदबाजी अच्छी करनी होती है बल्कि ये भी आपको उम्मीद करनी होती है कि सामने वाला गलती करे। और चूंकि सामने पाकिस्तान था, पाकिस्तान पाकिस्तान की तरह खेला आज और इसीलिए वो इस मैच को हारे भी। और पाकिस्तान को ये झांकना होगा कि जब फखर जमान और रिजवान खेल रहे थे उनको सिर्फ थोड़ी देर और बैटिंग करनी थी, लेकिन हुआ क्या, फखर जमान ने अपनी विकेट फेंकी और उसके बाद रिजवान ने अपनी विकेट फेंकी। वहां ना पाकिस्तान पैनिक कर चुका था और जब एक टीम पैनिक करती है, दूसरी टीम अगर मजबूत हो इंडिया की तरह फिर वो सेंस करते हैं, कहते हैं ना शेर को पता चल जाता है कि अब शिकार करने का वक्त आ गया है। इंडिया फिर उसके पास शेर ही था और मुझे लगता है कि ये जीत अल्टीमेटली आप जानते हैं कि सुपर एट में मैटर नहीं करेगी क्योंकि वहां तो भारत को तीन बड़े मुकाबले खेलने होंगे, लेकिन ये जीत ना एक तरह से एक तो प्रेशर हटा देती है क्योंकि हर कोई ICC टूर्नामेंट में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान को बड़ा करता है और ये बड़ा बन भी जाता है। और जब आप एक लो स्कोरिंग मैच जीतते हैं मेरा ये मानना है कि टीम ना जुड़ जाती है। शायद जब आप US से जाएंगे वेस्ट इंडीज में जहां पर सुपर एट के भारत को तीन मैच खेलने हैं वो पिचेस ना थोड़ी सी भारत को सूट करेंगी और बैटिंग करना मुझे लगता है कि भारत को देखना होगा कि कितने रन्स चाहिए। तो भारत को आने वाले मैचों में जो एक सबक इस जीत से लेके जाना है, आमतौर पर कहते हैं हार से आप सीखते हो,
मुझे लगता है इस जीत में भी भारत को सीखना है, वो है बैटिंग। तो 119 रन डिफेंड करना ये बड़ी कामयाबी है, भले वो पाकिस्तान के खिलाफ आई है, वो पाकिस्तान जो अब वो पुराना पाकिस्तान नहीं है। मतलब पुराना पाकिस्तान 119 रन अगर चेज कर रहा होता तो आंख बंद करके चेज करता, लेकिन बाबर आजम पर सवाल होंगे, बाबर आजम की कप्तानी पर, उनकी अपनी बैटिंग पर, उनके बाकी खिलाड़ियों पर सवाल रहेंगे। दो मैचेस हारने के बाद भी पाकिस्तान करेगा सुपर एट के लिए क्वालिफाई, भारत पर निर्भर करती है पाकिस्तान की किस्मत। देखिए पाकिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप 2024 के अपने पहले दो मैचेस में तो बहुत खराब प्रदर्शन किया। जब वो यूएसए के सामने उतरे तो मैच जरूर सुपर ओवर तक गया, बट सुपर ओवर में जाके पाकिस्तान वहां पे हार जाता है और यूएसए उन्हें हरा देता है, जो कि एक बड़ा अपसेट कहलाता है। और उसके बाद जब ये भारत के सामने आते हैं तो ऑलमोस्ट ये मुकाबला जीत गए थे। इन्होंने भारतीय टीम को 119 पे रिस्ट्रिक्ट भी कर दिया था, सिर्फ 120 रन चेस करने थे, लेकिन आखिरी में जाके पाकिस्तान की बल्लेबाजी पूरी तरह से चोक कर जाती है और 6 रनों से ये मैच हार जाते हैं। बट पाकिस्तान अभी भी सुपर 8 में पहुंच सकता है। कैसे, अब आपको जरा समीकरण समझा देते हैं। तीन बड़े पॉइंटर्स है इसमें। पहला पॉइंट यह है कि पाकिस्तान को अपने बचे हुए दोनों के दोनों मुकाबले जीतने होंगे। अब उनके आने वाले दो मैचेस किन किन के साथ हैं, वो है कनाडा के साथ और साथ ही में आयरलैंड के साथ। अब ये दोनों मुकाबले आपको जीतने तो है ही, साथ ही में एक और पॉइंट यह आता है कि आपको अपनी नेट रन रेट भी बहुत ही ज्यादा अच्छी करनी होगी। अब इसमें एंगल यह आता है कि कनाडा को भी आपको बड़े मार्जिन से हराना होगा और आयरलैंड को भी आपको बड़े मार्जिन से हराना होगा। बट एक बार जरा आपको पॉइंट टेबल भी बता देते हैं, पॉइंट टेबल पे पाकिस्तान का क्या सिनेरियो बना हुआ है, क्योंकि क्यों कह रहे हैं हम कि नेट रन रेट आपके लिए बहुत मैटर करती है। पाकिस्तान की अगर नेट रन रेट देखें इस वक्त है -0.15 एंड पॉइंट्स तो आपका अभी तक खाता भी नहीं खुला है। अब दो मैचेस अगर आप जीत जाएंगे तो एटलीस्ट 4 पॉइंट तक पहुंच पाएंगे। अब दूसरा पॉइंट यह आता है कि दूसरी टीम्स पर भी पाकिस्तान की किस्मत निर्भर करेगी, सबसे ज्यादा यूएसए पे। अब यूएसए पे क्यों, इनको एक और एंगल चाहिए अगर इन्हें सुपर एट में पहुंचना है। उसमें यह सीन बैठता है कि यूएसए को अपने बचे हुए दोनों के दोनों मुकाबले हारने होंगे। एक इनका मुकाबला बचा है इंडिया के सामने और दूसरा इनका मुकाबला बचा है आयरलैंड के सामने। अब दोनों मैचेस जब यूएसए हारेगा तो वो भी 4 पॉइंट पे ही रह जाएगा, लेकिन उस एंगल में होगा क्या कि यूएसए 4 पॉइंट पे, पाकिस्तान अपने दोनों मैचेस जीतता है तो वो भी 4 पॉइंट पे। बट फिर आती है गेम नेट रन रेट की, तो इसीलिए मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान को अपने बचे हुए मैचेस अच्छे मार्जिन से भी जीतने होंगे। और तीसरा पॉइंट यह आता है कि भाई वहां पे जैसा मैंने आपको कहा ना कि भारत पे किस्मत डिपेंड करती है, मतलब भारतीय टीम पे बहुत कुछ डिपेंडेंट है पाकिस्तान के लिए अगर पाकिस्तान को सुपर एट में पहुंचना है तो। क्यों, यह भी आपको समझा देता हूं कि भाई इंडिया को वहां पर कैनेडा को हराना होगा ताकि वह आउटसाइड चांस कैनेडा का भी कुछ ना बने और आप वहां पर थोड़ा सा एडवांटेज ले जाए। तो ये तीन सिनेरियोस है, इसी कीमत पे पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप 2024 में सुपर 8 में पहुंच सकता है। पर जिस हिसाब की परफॉर्मेंस पाकिस्तान की टीम ने पहले दो मैचेस में दिखाई है उस हिसाब से तो यही लग रहा है कि इनकी बल्लेबाजी में तो कोई दमखम है ही नहीं, पूरी तरह से ये चोक कर जाते हैं। इनके पास बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान, इन दो बैटर्स के अलावा इनके पास कोई भी बैटिंग नहीं है, बैटिंग पूरी तरह से ध्वस्त है। बॉलिंग इनकी बहुत अच्छी है, जहां पे आमिर ने अच्छा किया, शाहीन ने अच्छा किया, नसीम ने अच्छा किया, इवन हारिस रऊफ ने अच्छा किया, बट बैटिंग का क्या। पिछले दो T20 वर्ल्ड कप्स में पाकिस्तान की टीम की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही है, हालांकि कैंपेन की शुरुआत ज्यादा अच्छी रहती नहीं है पाकिस्तान के लिए हमेशा ही, लेकिन बाद में जाके T20 वर्ल्ड कप्स में अच्छा कर जाते हैं। पिछली बार भी शुरुआत इतनी अच्छी नहीं रही थी, जिम्बाब्वे से हार गए थे लेकिन फिर भी फाइनल खेल गए। तो क्या इस बार भी पाकिस्तान के साथ कुदरत का निजाम होगा? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। वर्ल्ड कप चाहे T20 का हो या ODI का, शायकी ने क्रिकेट को बड़ी बेसब्री से इंतजार होता है और जिस जिस मुल्क की टीमें आगे बढ़ती रहती हैं, मैच जीतकर अगले मरहले के लिए क्वालिफाई करती रहती है, उनके लोगों के चेहरे की दमक ही कुछ और होती है। और जिन कंट्रीज की टीमें मैच परफॉर्म नहीं कर पाती उनके लोगों के चेहरे बुझे बुझे से नजर आते हैं और लोग शदीद गुस्से में होते हैं। जैसे आजकल पाकिस्तान के शायकी ने क्रिकेट इंडिया से जीता हुआ मैच हारने के बाद जैसे पाकिस्तान में शोक का सा समा है।
हैं, क्योंकि एक तो इंडिया से मैच हारना, वो भी वो मैच जिस पर पूरी तरह से आपकी गिरफ्त थी, और फिर अभी T20 वर्ल्ड कप शुरू होते ही पाकिस्तान टीम का वर्ल्ड कप से तकरीबन बाहर हो जाना। सुपर एट के दरवाजे 80% पाकिस्तान पर बंद हो गए हैं। पाकिस्तान को अपने बाकी बचे हुए दो मैच अच्छे रन रेट से जीते होंगे, और यूएसए जो अपने पहले दोनों मैच जीता हुआ है और इसका रन रेट भी पाकिस्तान से बेहतर, उसको अपनी आखिरी दोनों मैच हारने होंगे, तब शायद पाकिस्तान का कहीं चांस बन जाए, जो कि नजर नहीं आ रहा है। मतलब एक दफा फिर पाकिस्तान कुदरत के निजाम के ऊपर डिपेंड कर रहा है। आखिर ऐसा कब तक चलेगा? टीम में मौजूद तकरीबन हर खिलाड़ी का इंडिविजुअल रिकॉर्ड अच्छा है, बड़े बड़े नाम है, तो फिर आखिर हर दफा कमी कहां रह जाती है? सोचना होगा पास में जो हमारी पाकिस्तान की टीम हुआ करती थी, क्या वो अब कभी वापस नहीं आएगी? क्या पाकिस्तानी क्रिकेट का फ्यूचर अंधेरों में डूबता जा रहा है? ऐसे कौन से मसले हैं जिनका कोई हल ही नहीं है, या फिर हल मौजूद है कोई करना ही नहीं चाहता? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को संजीदगी के साथ सोचना पड़ेगा, वरना आने वाले वक्त में पाकिस्तान में क्रिकेट का कोई फ्यूचर नहीं है। अब देखते हैं कि पाकिस्तान आने वाले दो मैचेस में क्या करता है, और क्या कुदरत का निजाम इनका साथ देगा या नहीं। आप लोगों की इस बारे में क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आप लोग को मेरी आज की वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और आने वाली मजीद वीडियोस के लिए मेरे बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज़ मत भूलें।